हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड टेक स्टडी। सो आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेके आ रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। सो आफ्टर लॉकडाउन कह सकते हैं कि जो ये भी जो अब प्रॉब्लम चल रही है आजकल, तो गवर्नमेंट ने ये वैकेंसी निकाली है जेल प्रहरी की। सो इसका एग्ज़ाम मैं आपको बताता हूँ, वो 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे वो अपना 27 जुलाई से स्टार्ट होने वाले, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसकी लास्ट जो डेट है वो है 10, यानी कि 10 तारीख है, जो कि नेक्स्ट मंथ आएगी। नेक्स्ट मंथ 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। एंड इसमें बताता हूँ मैं कि जो 500 इसकी फ़ीस है एंड 250 फीस अपना है, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि OBC SC और ST के लिए ये 250 है एंड एंड जनरल के लिए 500 इसकी फ़ीस है। सो गाइस, ये काफ़ी कह सकते हैं लास्ट टाइम जो इसका एग्ज़ाम निकला था 2017 में निकला था। आई थिंक इसकी वैकेंसी शायद मे बी 900 प्लस थी। अब काफ़ी कम वैकेंसी आई है आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 18, 19, 20 कह सकते हैं। तो 3 साल बाद इसकी 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो इतने साल बाद भी इतनी कम वैकेंसी। बट देखते हैं, आपको बताते हैं कितनी वैकेंसी है इसकी। एंड इसका एक ही पेपर होता है, आपको पता होना चाहिए, 100 मार्क्स का रहता है, 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 मार्क्स रहते हैं, जो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स क्या आएंगे। तो 3 तारीख से 10 तारीख के बीच में एग्ज़ाम होंगे, जो कि इसके दो सेक्शन रहेंगे एंड दो टाइमिंग रहती है अपनी, जैसे कि प्रथम और द्वितीय, यानी कि 7 से 8, यानी कि आपको रिपोर्टिंग टाइम है ये आपके लिए। एंड यानी कि 8:50 से लेकर 90 के बीच में आपको जो उसमें प्रिकॉशन रहते हैं, यानी कि निर्देशन रहते हैं, वो आपको देखना होगा। एंड इसका जो एग्ज़ाम क्लियरली रहता है वो 9 से 12 रहता है, और एक द्वितीय रहता है वो 2 से 5, यानी 3 घंटे का रहता है। इसमें दो टाइम काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 100 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। तो गाइस, इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ इसमें और भी चीज़ें जो कि, तो गाइस देखो, वैकेंसी मैं आपको बताता हूँ कितनी वैकेंसी है, यानी 284 इसकी वैकेंसीज़ है जो कि आई है। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, कैटेगरीज बताता हूँ उसके भी, हाँ बताता हूँ। यानी मध्य प्रदेश शासन से जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के रिक्त कुल 282, यानी कि 282 पदों पर सीधी भर्ती आई है। और इसका मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो जनरल की वैकेंसी है वो है 105, टोटल 105 है, ओपन 33 है, यानी कि मेल के लिए और महिला के लिए 14 है, 14 है। होम गार्ड में ओपन कितना है, 11 है, और महिला की 5 है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि एक्स जो सर्विसमैन होते हैं सैनिकों में, उनका 7 है ओपन, और महिला की 3, यानी कि टोटल हमारा 105 है जो कि जनरल की है। EWS की टोटल 11 है, टोटल 11 है EWS की। और अब ये क्या है, ये अपना SC है, ये ST है। तो SC की हम देख सकते हैं 45 इसकी टोटल वैकेंसी है, ओपन 18 है और महिला की 7 है। ओपन होमगार्ड की 5 है और महिला की 2 है। भूतपूर्व सैनिकों की 3 हैं और 1 है। अनुसूचित जनजाति की 56 टोटल हैं, जो कि 21 अपना मेल है और महिला की 10 है। तो ये सारी आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये जो है यानी कि ओपन कह सकते हैं, जो कि अपना 105 है, जनरल की 76 है एंड इसमें ओपन 30 है और 12 है, और ये सारी आप देख सकते हैं। टोटल ओवरऑल 282 इसकी वैकेंसी आई है, सीधी भर्ती जो जेल प्रहरी कार्यपालिका की है, और ये सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिका। लेकिन इसमें क्या हुआ, संविदा कर्मचारी के लिए 20% इसका रिजर्वेशन आरक्षित है, जो कि इसमें 56 टोटल वैकेंसी है। इसमें शारीरिक में आप देख सकते हैं, फिजिकली जो रहती है, यानी कि आपकी जो हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला की 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना बिना फुलाए कितना है, 83 सेंटीमीटर। और न्यूनतम यानी कि 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तरी अथवा पुरानी प्रणाली से हाई सेकेंडरी परीक्षा उत्तरी होना चाहिए, यानी कि आप 12th क्लास, आपके 12th जो क्लास है वो पास होना चाहिए हाई सेकेंडरी स्कूल।
ये क्वालिफिकेशन है इसमें। अब जो रिजर्वेशन की बात होती है, तो अनुसूचित जनजाति का यानी कि एसटी का 20% इसमें आरक्षित है, अनुसूचित जाति का 1716 है, अन्य पिछड़े वर्ग 727, यानी कि ओवरऑल वैसे 50 रहता है। लेकिन अब ये जो अमेंडमेंट हुआ था इसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग का लोगों का इनका भी कर दिया गया है, यानी कि जनरल में आते हैं, जनरल वाले आते हैं जो कि उसमें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो, तो उनका 10% उनका रिजर्वेशन है। अब हम एज की बात देखते हैं कि एज इसकी लिमिट कितनी दी गई है, तो मिनिमम एज जो की है होना चाहिए 18 वर्ष, यानी कि 18 साल आपकी कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, और अधिकतम आयु कितना है यानी कि 33 से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 से 33 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए पुरुष यानी कि सामान्य और अनारक्षित के लिए। और अनुसूचित जाति जनजाति महिला इनके लिए कितना है, इनके लिए अपना 33 यानी कि 5% इनका रिलैक्सेशन रहता है, यानी 38 एज इसकी मैक्सिमम है। सो हमारा एज हो गया, मैं नेक्स्ट बताता हूँ। आप देख सकते हैं इसकी जो रहती है जो कि 800 यानी कि 800 मीटर दौड़ में 2 मिनट 50 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा, और महिला के लिए 4 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड करना होगा। और 20 फीट यानी गोले का वजन कितना होना चाहिए, 7 यानी कि 7.260 किलोग्राम होना चाहिए, जो कि 20 फुट इसकी इतना आपको फेंकना होगा। एंड यहाँ महिला के लिए 16 फिट जो कि 4 किलोग्राम का रहेगा गोले का वज़न, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 15 फीट जो कि 7.260 किलोग्राम इसका वेट रहेगा। और याद रखना, अगर दौड़ में यानी कि फर्स्ट पहले आपको रनिंग होगी, अगर उसमें क्वालिफाई नहीं किया जाएगा तो उसे गोला फेंक में भाग लेने दिया नहीं, मतलब जो गोला फेंक जो पार्टिसिपेट रहता है उसमें भी आपको वहाँ से भी क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, यानी कि उसमें भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, तो मैंने ये स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 27 से स्टार्ट यानी कि आज से हो चुके हैं, और भरने की कुल दिवस 15 दिन है, वैसे 1 महीने रहता है मंथली, 1 मंथ रहता है, बट इसमें 15 दिन दिए गए हैं। और इसकी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ, जो कि 3 से 10 यानी कि नवंबर को होने वाला है, अधिकतम अंक यानी कि 200 हैं, 3 घंटे का इसका एग्ज़ाम होने वाला है। सो ये टाइमिंग रहेगी, लेकिन अधिकतम अंक 200 दिया है इसका, मैं आपको बताता हूँ क्लियरली, ये थोड़ा सा 200 नहीं है, अधिकतम 100 ही है इसका, और ये तो मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। इसके ऑनलाइन जो परीक्षा केंद्र है वो 16 है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें। अब मैं इसको एग्ज़ाम जो आप यहाँ देख सकते हैं, यानी कि 5 इसके सब्जेक्ट आएंगे, जो कि मैं आपको बताऊँ, सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, यानी कि इसमें रीजनिंग नहीं इंक्लूड होगा, रीजनिंग नहीं आएगी, और 100 मार्क्स रहेंगे अंक, 100 यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट जो है जो 20 नंबर का आएगा। तो आप ये जो है सब्जेक्ट वो कंप्लीट कर लीजिए, रीजनिंग एक्सेप्ट रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग को छोड़कर ये सारे जो एग्ज़ाम जो सब्जेक्ट हैं, सामान्य ज्ञान में क्या आ सकता है, इसमें करंट अफेयर ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और हम बोल सकते हैं कि MP के यानी करंट अफेयर MP यानी कि 20 में से MP के 5-6 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन, और जो बचता है जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वोल्टेक्स, ये सारे जो कि इंक्लूड रहेंगे इसमें। एंड सामान्य विज्ञान में तो आपको पता होना चाहिए 3 सब्जेक्ट आते हैं, गणित, अंग्रेजी। गणित में इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, MP में सबसे ज़्यादा एडवांस पूछे जाते हैं, तो एडवांस पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए। एंड अंग्रेज़ी, हिंदी, सारे जो हैं सब्जेक्ट्स हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूँ, एंड आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं जो भी डाउट हो।